मेरे हाथ में J7 प्राइम है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका मॉडल नंबर, आपको मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं दिख रहा। इसमें मॉडल मैं बता देता हूँ, ये G610F है, मतलब J7 प्राइम है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका टच डिस्प्ले डैमेज है, तो इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो इसका खोलने का प्रोसेस आपको क्या है, ब्लोअर से आपको इसको खोलना है, हीट देकर। मैं दिखा दे रहा हूँ, इधर आप देखिए ये ब्लोअर है, इसको गर्म करके इसको क्या करना है, चारों तरफ हवा देना है, गर्म हवा इसको दे के खोलना है। तो मैं इसको ऑलरेडी खोल चुका हूँ मार्केट से, मुझे चेक करके लाना था इसलिए। तो इसको खोल के फिर आपको क्या करना है, कोई पतला चीज़ से आपको चारों तरफ से उठाना है इस तरह से। उठाने के बाद आपको हमेशा नीचे से उठाना है, ऊपर से मत उठाइएगा क्योंकि ऊपर में कनेक्टर रहता है। इसको उठाने के बाद देखिए दोनों उठ जाएगा, यहाँ पे कनेक्टर रहेगा, ये कनेक्टर को फिर क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे उठाना है, उठाने के बाद ये आसानी से निकल जाएगा। फिर आपको यदि बैटरी पीसीबी निकालना है तो आपको पूरा ये स्क्रू वगैरह है, देखिए ये स्क्रू खोलना होगा, उसके बाद ही आप इसको बैटरी बोर्ड निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ये मैं निकाल दिया हूँ फोल्डर, ये डैमेज वाला है, काफ़ी डैमेज हो चुका था तो मैं मार्केट से एक लेके आया हूँ, ये मैं दिखा दे रहा हूँ नया है। तो इसी को आज हम लोग लगाएंगे। तो लगाने से पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको हम लोग साफ़ कर लेना है चारों तरफ से, पुराना जो पेस्टिंग रहता है साफ़ करने के बाद ये ग्लू को इसमें लगाना है। ये स्पेशल मोबाइल लगाने के लिए ही आता है, LCD टच लगाने के लिए ग्लू आता है। तो मैं पहले ही इसको खोल चुका था क्योंकि मुझे खोल के चेक करना था, क्योंकि मार्केट से बिना चेक किए हुए देते नहीं हैं। तो चेक करने के लिए मैं पहले LCD टच खोल लिया था, तो खोलने का मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आपको मैं प्रोसेस बता दिया हूँ, उसी तरह से खुलेगा ये। जे सीरीज़ का जितना भी मोबाइल है सैमसंग का, सब ऊपर से ही खुलता है। इसका क्या करना, चारों तरफ हल्का करके ये पेस्ट लगा देना है, फोल्डर लगाने वाला पेस्ट, काफ़ी ज़्यादा भी नहीं लगाना है, एकदम हल्की करके लगाना है। लगाने के बाद थोड़ा सा इसको सूखने दीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। और ध्यान रखिएगा कि अब क्या करना है इसको, ये देखिए फोल्डर है, तो अब इसका पेपर को निकाल देना है हमें, पीछे में प्लास्टिक है, काफ़ी सावधान से निकालना है क्योंकि ये बहुत पतला रहता है, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम से डैमेज होने का भी चांस रहेगा। इसको निकाल देना है, निकालने के बाद अभी क्या करना है, इसको फोल्डर को लगाना है। यहाँ पे मैं टेप लगा दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ कंपोनेंट वगैरह थे, तो मैं इसको अभी इसमें लगा रहा हूँ। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे इसको पहले ऐसे अपना हिसाब से रख लेना है, रखने के बाद कनेक्टर को आप काफ़ी सावधानी से आपको लगाना है। कनेक्टर लगाने के बाद ये देखिए एक कवर है मेरे हाथ में ब्लैक रंग का, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये कवर यहाँ पे इसको लगा देना है, लॉक का है, इसको यहाँ पे लगा देना है ताकि ये टाइट रहेगा। इसको यहाँ पे लगाना है आपको, लग गया है। अभी क्या करना है, इसको बैठा करके ऊपर से लगाना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, यहाँ पे कुछ प्लास्टिक वगैरह इसको निकाल लेना है। अब इसको क्या करना है, बैठा देना है, इसको हल्की हाथों से लगाना है। लगाने के बाद चारों तरफ आप बैठा दीजिए, देखिए ये बैठ जा रहा है, इसको हल्के हाथों से बैठाना है आपको।
बैठाने के बाद इसको फिर आप ऑन करके देख लीजिए कि ठीक से लगा या नहीं। ये देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। इसमें आपका दो क्वालिटी का भी आता है, एक कम दाम में आता है, उसमें क्या होता है ब्राइटनेस कम नहीं करता है, और ये ज़्यादा दाम का है, उससे 600-700 रुपये ज़्यादा पड़ता है। तो इसका दाम ज़्यादा पड़ने के कारण इसमें क्या होगा, आपको ब्राइटनेस कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ इसमें ब्राइटनेस वगैरह। ये देखिए ऑन हो चुका है, अब मैं आपको इसमें ब्राइटनेस दिखा दूंगा। डुप्लीकेट में क्या होता है ब्राइटनेस कम नहीं होता है, जैसे देखिए ये ब्राइटनेस कम गया, फिर बढ़ाइए, ये ब्राइटनेस बढ़ रहा है। यही खासियत है, ये ओरिजिनल टाइप की ही होती है। अभी इसमें मैं देख लेता हूँ काम कर रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं ये कितने आसानी से ये लग चुका है। तो यदि आपको कुछ भी राय विचार लेना है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं, और मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जितना भी नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, मैं जल्दी ही एक नया वीडियो लेकर आने की कोशिश करूँगा।